नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नीचा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सरप्लस पावर स्टेट मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली दिए जाने पर आज जबलपुर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जबलपुर में सिंचाई के लिए रात में बिजली दिए जाने का विरोध जताते हुए किसानों ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का घेराव कर दिया। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह आज जबलपुर के सर्किट हाउस में मौजूद थे, जहां पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आगे आकर किसानों से लंबी मुलाकात की और किसानों को पहले की तरह दिन में 6 घंटे जबकि रात में 4 घंटे बिजली देने के आदेश जारी किए। जो देर रात बिजली दी जा रही है, किसानों का किस तरह से ये अपमान है। सरप्लस पावर स्टेट में स्थिति ऐसी है कि किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए सिंचाई को देर रात बिजली दी जा रही है। क्या पीड़ा आपने यहाँ पर बताई है बिजली? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारा किसान रात की बिजली से बहुत परेशान है। अभी तो जबलपुर में पिछले महीने से 15 दिन रात में और 15 दिन में ये फिक्स कर दिया कि एक स्थान पर 15 दिन दिन में मिलेगी, रात में नहीं दी जाएगी, और एक जगह 15 दिन रात में मिलेगी, दिन में नहीं दी जाएगी। अब आप बताइए, जिनको 15 दिन रात में बिजली वहाँ पे मिल रही है और 15 दिन जिनको रात में मिल रही है और वो भी रात के 2 बजे से लेकर के सवेरे 8 बजे तक, तो वो क्या अपनी सिंचाई कर पाएगा? तो आज हमने इस बात को मंत्री जी के सामने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से रखा है, बड़ी जोरदारी से रखा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कई जगह की ऐसी मांग थी मध्य प्रदेश में, इस वजह से ये इस तरह से किया है। और अब जो है जबलपुर में, जैसे पूर्ववत इसका शेड्यूल था कि रात में भी बिजली मिलेगी और दिन में भी मिलेगी, किसान चाहे तो रात में उपयोग करे, चाहे तो दिन में उपयोग करे, तो उन्होंने आज हमारी मांग को मान लिया है और उन्होंने तुरंत निर्देशित किया कि कल से ही आपको जो है शेड्यूल परिवर्तन जबलपुर में हो जाए। तो कितने घंटे बिजली सरकार ने दावा किया था? दावा इनका ये था कि 12 घंटे हम आपको बिजली देंगे और ये घोषणा पत्र में भी है इनके सरकार का। तो हमने वो आज याद दिलाया उनको, तो उन्होंने कहा कि इस पर प्रक्रिया हमारी चल रही है और अभी हम 10 घंटे दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये हमने उनको बताई कि अभी भी हमारे किसान को 6 से 8 घंटे ही बिजली मिल रही है। 12 घंटे की बिजली की आप बात करेंगे, कम से कम जो 10 घंटे आपने घोषणा की है या पहले से जो 10 घंटे हमको बिजली मिलती आ रही है, कम से कम वो 10 घंटे तो बिजली मिले। उन्होंने कहा है कि मैं इसको जो है 10 घंटे करूँगा और आगामी कुछ माहों में हम 12 घंटे की बिजली का बिंदुवार चर्चा हुई है आपकी। अगर इन समस्याओं का समाधान तमाम तौर पर नहीं होता तो क्या आप लोग नहीं, हमारी सबसे बड़ी मांग थी सर कि हमारे को बोनस दिया जाए, चालू कर देंगे। कर्ज माफी की जो विसंगतियां हैं और जिनके कारण हमारा किसान भटक रहा है, बैंकों में चक्कर लगा रहा है, उसको भी उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको भी हम दुरुस्त करेंगे। और सिंचाई के लिए भी उन्होंने कहा है कि नहरों की जो ठेकेदार नहरों को सुधारने के लिए जो ठेका निरस्त कर रहे हैं और उसमें अतिरिक्त राशि का हम प्रावधान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। पर मैं आपको ये बता दूं, नई सरकार में रात को जो बिजली दी जा रही है और साथ साथ जो सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही है, किस तरह से नहीं 8 घंटे तो बिजली मिली नहीं रही, 10 घंटे ही मिल रही है, पर एक साथ मिल रही है रात। जबलपुर जिले के किसानों ने मेरे को अभी ज्ञापन दिया है और मैंने निर्देशित कर दिया परसों से ये बिजली 6 और 4 के शेड्यूल में पुनः वापस ऐसे ही चली जाएगी जैसे पहले। बिजली कंपनियों के एकीकरण को लेकर, जो 3 वितरण कंपनियां हैं उनको एक करने को लेकर एक जबलपुर से भेदभाव के तौर पे देखा जा रहा है कि भोपाल ले जाया जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, किस तरह से इस योजना पर बात करते हैं? किसी को ना तो भोपाल ले जा रहे हैं, ना किसी को जबलपुर ला रहे हैं, ना किसी को इंदौर ले जा रहे हैं। बात यह है कि कितनी कंपनियां 47,000 करोड़ रुपए के घाटे में हमें मिली है, अब इसको कैसे सुधार करना है इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। ये सारी अफवाहें हैं, सारी बातें की जा रही हैं, वैकल्प सुझाए जाते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा और वैकल्पों पर विचार किया जाता है। कौन सी चीज़ फाइनल होगी जब कॉन्क्रीट डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तब हम आपको बताते हैं। सर, जो सरकार केंद्र सरकार की आते आए जीडीपी लगातार गिरी है, GDP लगातार गिरी है 5% पे आ गई है। सरकार ने बड़ी बातें की थी, किस तरह से देखते हैं आप मौजूदा वित्तीय हालातों को? देश के मौजूदा वित्तीय हालात गंभीर हैं और सरकार जनता का ध्यान आर्थिक स्थिति से भटकाने के लिए इधर उधर के प्रोपेगेंडे कर रही है। मेरा मानना है दूसरी बार मोदी सरकार का नारा फेल हो रहा है। ये KCC को लेकर जो डिलेमा है, बैंक KCC क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कर्ज माफी की वजह से, तो क्या बैंकों को कोई निर्देश जारी करेंगे कि बहुत परेशान? आज मैं जिला योजना समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा करूंगा। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।